फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक बहुत दिलचस्प टॉपिक जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ हम कहते हैं, वह तुम्हारे बारे में अच्छी बातें नहीं करती है, या वह तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है। तो फ्रेंड्स, जब कोई इंसान किसी के बारे में अच्छी बातें करे या खराब बातें करे, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, स्पीक वेल ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में अच्छी बात करना, और स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में खराब बात करना। जैसे अगर आपको कहना हो, वह आपके बारे में अच्छी बातें करती है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी स्पीक्स वेल ऑफ यू, यानी वह आपके बारे में अच्छी बात करती है। लेकिन अगर आपको कहना हो कि वह आपके बारे में खराब बात करती है या गलत बात करती है या उल्टा सीधा बात करती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी स्पीक इल ऑफ यू, यानी वह आपके बारे में खराब बातें करती है। मुझे लगता है आप मेरे बारे में गलत सलत बात करते हैं, या मुझे लगता है आप मेरे बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई थिंक यू स्पीक इल ऑफ मी, यानी मुझे लगता है आप मेरे बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आप मेरे बारे में उल्टा सीधा बात क्यों करते हैं, या आप मेरे बारे में गलत सलत बात क्यों करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाई डू यू स्पीक इल ऑफ मी, यानी आप मेरे बारे में उल्टा सीधा बात क्यों करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये दोनों टॉपिक स्पीक वेल ऑफ और स्पीक इल ऑफ बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।